एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड. आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4. वी आर स्टार्टिंग द ब्रेन रूट सीरीज एंड द नेम ऑफ योर बुक इज ग्रामर ग्लिटर ओडेसी ऑफ क्लास 6. ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है काइंड्स ऑफ नाउंस. ठीक है, अब हम देखेंगे नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, एक्सेट्रा. ठीक है, तो नाउन एक ऐसे चीज़ के लिए हम बोलते हैं जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, राइट? ये सारे हमारे नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, दिल्ली, कोलकाता, ये एक प्लेस का नाम है. सो दिस इज़ अ नाउन, प्रॉपर नाउन. आई विल टेल यू द टाइप्स, डोंट वरी. टिल देन यू जस्ट अंडरस्टैंड कि किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे चीज़ों का जो नाम होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहला है हमारे पास प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जब हम किसी स्पेशल स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं. जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और इंडिया की. ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस हैं एंड दे आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस. ये किसके नाम है? जगहों के नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है. तो द पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं. दे ऑलवेज बिगिन विद अ इज अ टाउन. बाकी आपको लिखना है एज योर होमवर्क. कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. रिवर्स में गंगा, यमुना आप लिख सकते हैं, सरस्वती लिख सकते हैं. माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, हाइएस्ट पीक, राइट? मोर यू कैन राइट योर सेल्फ एज योर होमवर्क, इट्स वेरी ईजी. अरेबियन सी इज देयर, सीज के अंदर आप अरेबियन सी का नाम लिख सकते हैं, राइट? मैनी सीज आर देयर, आप सारे नाम अपने चॉइस के लिख सकते हैं. बुक्स, फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर इज अ बुक. बाकी आप बुक्स रीड करते होंगे तो आपको पता होगा, आप किसी भी बुक का नाम लिख सकते हैं, रिनाउंड बुक का. मैगजीन्स, मैगजीन के नाम होते हैं, जैसे बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया, ये सारे हमारी मैगजीन्स के नाम होते हैं. आप खुद फाइंड आउट करेंगे और नाम लिखेंगे, राइट? बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स. न्यूज़पेपर के नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर इज देयर, राइट? एंड दैनिक जागरण, विच इज़ अ हिंदी न्यूज़पेपर, राइट? सो ऑल दीज नेम्स यू कैन राइट. डेज ऑफ द वीक, जैसे मंडे, ट्यूजडे, दिनों के नाम, राइट? फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, ऑल दीज फेस्टिवल्स यू कैन राइट. गुड, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस वॉज वेरी ईजी. आपको बस जो जो यहाँ दे रखा है उनके नाम लिखने थे ब्लैंक्स में. अब हम सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? इन वर्ड्स से हमें इस स्टोरी को पूरा करना है. क्या आप रेडी है? लेट्स डू इट. चलिए अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे. A great field trip. My teacher, Mrs. Brown, took the whole class on a field trip. Right after the bell, we hopped onto a school bus and headed to Museum of Modern Art. ये सारे proper nouns fill कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है. Then we went skating at Richmond Park. ये एक park का नाम है, इसलिए हम R capital बनाएंगे. In the afternoon, we visited the Sun Valley Ice Rink. So आप देख सकते हैं ये भी एक yes. किसी प्लेस का नाम है तो इसलिए हमने सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल बनाए हैं. एंड लर्न अबाउट द फेमस पेंटर्स लाइक पिकासो. पिकासो इज द नेम ऑफ अ पेंटर, तो हमने पी बड़ा बनाया है, कैपिटल बनाया है, राइट? आफ्टर द विजिट वी क्लाइम बैक ऑन द बस एंड हेडेड बैक टू ब्रोकसाइड एलिमेंट्री स्कूल. दिस वॉज एन अमेजिंग ट्रिप. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने सारे प्रॉपर नाउन्स यूज करे हैं एंड फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन इज कैपिटल. I hope it's clear. Now we will move on. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन. अभी हद तक हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर वॉट? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, किसी का नाम की बात करें, किसी प्लेस के बारे में बात करें. बट अब हम देखेंगे कॉमन नाउन्स. सो वॉट आर कॉमन नाउन्स? कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. इसका मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ माई डॉक्टर इज़ वेरी हम्बल, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर का नाम तो नहीं लिया, आई हैव जस्ट सेड डॉक्टर. अब वो डॉक्टर का नाम क्या है, वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया. तो ये एक कॉमन नाउन है, डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन. नेम एनिमल सेम हम कॉमन नाउन बोलते हैं. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. लेट द वुमन इज स्टिचिंग is a common noun. Very good. Like to read books. So books is a common noun. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं women के अंदर किसी particular women का नाम नहीं है, सिर्फ इंजीनियर women. यहाँ पे books के लिए like to read books book का नाम नहीं है, सिर्फ है books, तो वो एक common noun है. Now do a task where we have to pick out common nouns in the following sentences. Common nouns को pick out करना है. चलिए लेट्स डू इट. फर्स्ट वन, प्लीज कम एंड विजिट माई हाउस सून. तो इसके अंदर हाउस हुआ, क्योंकि हाउस स्पेसिफाइड नहीं है, कॉमनली हाउस इज अ कॉमन नाउन, तो इसलिए इस पे हम हाउस हाईलाइट करेंगे. गुड फूड मतलब क्या है कि हम पूरे हफ्ते अच्छा खाना खाया, राइट. सो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक रखा है वीक्स, इज योर कॉमन नाउन. आई एम लकी टू स्पेंड टाइम My friend. अब आप देख सकते हैं friend का नाम नहीं है, रखा है friend, तो friend is a common noun. The store is open on sentences is open on Sunday. So यहाँ पे will be common noun क्योंकि store का कुछ नाम है. बाकी तो can you all tell me Sunday? Yes, Sunday noun. So हम यहाँ पे इस नहीं करें. My is very nice class teacher, क्योंकि teacher को कुछ नाम नहीं दे रखा है, it's not a common noun. The medicine will be a common noun. मैंने कहा था doctor will be a common noun. doctor का नाम है common noun. Now intonation and order of common nouns can be common noun or उनका बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डॉक्टर ऑल्सो चेंज कर सकते, बट मिस्टर गर्ल, राइट. एक gender only. This is a मैच कर. सो फर्स्ट वन, सो वी विल राइट वन हियर. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन ऑफ यू, हाउ यू हैव टू मैच. सेकंड देखेंगे बॉयज. बॉयज का नाम रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, राइट. इज दिस द वन? नो. We have to see the boy's name. See, here it is. Atharv, Prakash, Parth. So these are the names of boys. So two. Next is subjects. Subjects mein aapko dhoondna padega. Let's see. Here it is. Economics, English, Hindi, Maths. So this one is your third one. Fourth is days. So here it is. Tuesday, Wednesday, Thursday. Right? Fourth one. Fifth, actors. Yes, this one is the actors one. I hope you know all the names of the actors. आपको पता होंगे ये सब.
क्रिकेटर प्लेयर्स, सब आपको क्रिकेटर्स के नाम मैच करने हैं. ऑल द क्रिकेट फैंस, जिन जिनको क्रिकेट पसंद है, यू कैन स्पॉट इट आउट. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड. सो सिक्स्थ वन इज दिस वन. नाउ लास्ट वन इज मंथ्स, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, सेवेंथ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द मैचिंग. आपको समझ आया होगा ये हमने कैसे कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के साथ मैच करा है. आगे देखेंगे अब कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ नाउन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन एज अ होल. तो जब हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड कलेक्टिव नाउन होता है. जैसे मैं आपको बोलूँ, द पीपल आर गैदर्ड हियर, राइट? तो सारे पीपल एक साथ गैदर्ड हैं, राइट? या फिर फॉर एग्जाम्पल, द फॉक्स वॉन्टेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो बंच एक कलेक्टिव नाउन है. क्यों? क्योंकि हम एक पूरे ग्रुप ऑफ ग्रेप्स की बात कर रहे हैं. जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं और उसके लिए जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ शीप. सो हर्ड विल बी योर कलेक्टिव नाउन, HERD, हर्ड ऑफ शीप. या फिर दूसरा कलेक्टिव नाउन एक हमारा होता है, स्कूल ऑफ फिशेस. स्कूल मतलब हमारा जाने वाला स्कूल नहीं, ग्रुप ऑफ फिशेस को हम हमेशा स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं. ये एक कलेक्टिव नाउन है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव फर्दर. सो नाउ इन द ई एक्सरसाइज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन. आपको कलेक्टिव नाउन्स को फिल करना है. ओके, सो नाउ लेट्स डू इट. द फर्स्ट वन, अ डैश ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सेकेंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अ क्राउड ऑफ पीपल. तो आप देख सकते हैं सारे पिंक वाले वर्ड्स हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं. अ कॉयर ऑफ सिंगर्स. फिफ्थ वन, अ डैश ऑफ एक्टर्स. दिस इज योर होमवर्क. द ग्रीन वंस आर योर होमवर्क. आई ऑल्सो वॉन्ट दैट यू शुड ट्राई. आप ये बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं एंड देन आप फिल करिएगा. अ क्रू ऑफ सेलर्स. अ ज्यूरी ऑफ जजेस. आई एम डूइंग द 13th वन फॉर यू नाउ. रेस्ट इज योर होमवर्क. A bunch of flowers, a flock of birds or sheep, right? A board of ships, a herd of cattle, a pack of wolves. 18th one is your homework. A galaxy of stars. And 20th also is your homework. So I want ki main aapko jo bhi homework do, aap mere saath saath karte rahiye so that we are learning very properly. All right, children. So now we are going to start with the fourth type of nouns. Kinds pad rahe hain nouns ke. Humne first kaun sa padha? Common noun. Fir humne proper noun bhi padha. Aur fir humne padha collective noun. Ab hum padhne ja rahe hain abstract noun. Abstract noun is the name given to a state, quality, condition, feeling or idea. जो भी नाउन्स, जो भी वर्ड्स हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारी क्वालिटीज़ को, राइट, हमारे इमोशंस को, हमारे आइडियाज़ को, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. लेट्स सी, ऑनेस्टी विंस ट्रस्ट. तो आप देख सकते हैं ऑनेस्टी और ट्रस्ट दोनों इमोशंस हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. उससे पहले हम ये इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर टेंस, though they can be plural in certain context. For example, मैं बोल रही हूँ I am happy. तो मैं तो नहीं बोलूँगी I am happies. ये तो wrong है. तो singular sense में ही हम हमेशा बोलते हैं I am happy. अगर मैं बहुत सारे लोगों की भी बात करूँगी, they are happy. Right? Emotion आप हमेशा general cases में singular sense के लिए ही use करते हैं. Next is abstract nouns are formed by making certain changes in the spelling of adjectives, verbs and what? Adverbs, right? I am doing this work very happily, right? या फिर मैं ये बोलूँ I am happy. तो आप देख सकते हो happily और happy, मैंने ILY को हटा दिया और happy बना दिया. तो आप देख सकते हैं happily was your adverb and happy is your abstract noun. So यही कह रहे हैं कि अगर आप adverbs या verbs की में थोड़ी सी spelling का change करेंगे तो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. ओके, सो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? आपको ये ब्लैंक को फिल करना है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से. सी, ब्रैकेट में आपको
आइडिया दे रखा है, आपको इस पर्टिकुलर वर्ड को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है. डैश मस्ट प्रिवेल, ब्रैकेट में क्या है, जस्ट, जस्टिस मस्ट प्रिवेल. ओके, डैश इज द बिगेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में पॉपुलेट, सो पॉपुलेशन. थर्ड एंड फोर्थ वन आई वॉन्ट यू टू डू योर सेल्फ एज योर होमवर्क, ये आप खुद ट्राई करिएगा. फिफ्थ वन आई विल टेल यू, इट इज़ अल्टीमेटली योर डिसीजन, डिसाइड ब्रैकेट में था. यू शुड इंसिस्ट ऑन क्लेनलीनेस, क्लीन वॉज इन द ब्रैकेट. लॉयल्टी इज इम्परेटिव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सो लॉयल्टी एंड इन द ब्रैकेट हमारे पास क्या था, लॉयल. इज देयर एनी डैश हियर, एंड ब्रैकेट में क्या है, वेकेंट, वेकेंसी. ओके, तो हमने ये सारे वर्ड्स को किस में चेंज कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में. आई होप आपको समझ आया होगा. अब हम देखेंगे यहाँ पे जी एक्सरसाइज, अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स. हमें इन सेंटेंसेस में नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उनके टाइप्स लिखने हैं. ओके, आई विल डू सम फॉर यू, एंड बचे हुए एज होमवर्क आप करेंगे खुद से, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, सो बुक इज योर नाउन. एंड ये कौन से टाइप का नाउन है, येस कॉमन नाउन, क्योंकि किसी स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं है, सिर्फ बुक लिखा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ कॉमन नाउन. सेकेंड वन, यू हैव टू डू योर सेल्फ. थर्ड वन, पेशेंस इज अ वर्च्यू. पेशेंस एक इमोशन है, राइट, एक फीलिंग है. सो मैंने आपको क्या बताया था, फीलिंग्स और इमोशंस कौन से नाउन्स हमें बताते हैं, येस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो पेशेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ फोर्थ वन इज अगेन योर होमवर्क, लेट्स सी द फिफ्थ वन. The childhood of Peter was full of misery. So Peter and misery are nouns. Peter kya noun hai? Yes, Peter ek person ka naam hai. So Peter ek proper noun hai. Very good. And misery ek emotion hai, ek feeling hai. So this is abstract noun. Next is Kalidas was the greatest dramatist of India. So Kalidas ek dramatist ka naam hai, proper noun hai. Isliye Kalidas will be your noun, a proper noun. And next is India. India is also proper noun. Seventh one, again, homework I want you to do, because I know ab aap logon ko ye bahut acche se samajh aa gaya chapter. Okay, so now, eighth one, let's see. Diversity is India's biggest strength. So diversity is a feeling. So diversity is an abstract noun. And India is, yes, proper noun. Now, ninth one is your homework. You have to do yourself. Tenth one, let's see. Wild animals live in forests. So wild animals is your common noun, and forests also is your common noun. Very good. Now let's move further. Okay, so now we have to fill in the blanks with suitable nouns, right, in the box. First one is your homework now, because aapko ab samajh aa gaya hai chapter, and I want ki ab aap zyada kariye, right? Second one I'll do for you. A swarm of bees flew out of the beehive. Third one is again your homework. Fourth, give Ravi a glass of water. Fifth, a gang of robbers was arrested yesterday. Sixth and seventh are your homework. You can do them, क्योंकि आपको सीधा ये box से लिखने हैं, and अब आपको nouns बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं. I know. I like playing indoor games like carom. He has no sympathy for beggars. Sympathy is a abstract noun. Alright, so I hope आपको एक्सरसाइज समझ आई है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर यू टू टेस्ट योर सेल्फ, लेट्स सी. इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, वही करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं. यू हैव टू पिक आउट द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड. सो इस पैराग्राफ में से आप क्या सारे नाउन्स छाट सकते हैं, येस फॉर श्योर. मैं आपको फर्स्ट लाइन करके दिखाऊंगी, एंड देन यू कैन डू योर सेल्फ. ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन इन अ फॉरेस्ट इज अ कॉमन नाउन. Emperor Akbar is a proper noun, because Akbar ek emperor ka naam hai, right? A young man is a common noun called Mahesh Das. Mahesh Das is what? Yes, proper noun. Very good. Ab aapko samajh aa raha hai, and it's very good. And the rest of the paragraph you can do yourself as your homework. Great. Right, so that's it for this chapter. Aapko ye chapter acha laga ho, so I will meet you in the next video. आप अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड यू विल बी अ मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर श्योर. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.